नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 34वां मुकाबला शारजा के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई ने फाफ डू प्लेसिस के शानदार अर्धशतक और अंतिम ओवरों में रविंद्र जडेजा और अंबाती रायडू की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 189 रन बनाए। आपको बता दें, रविंद्र जडेजा ने अंबाती रायडू के साथ अंतिम ओवरों में 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी कर टीम के स्कोर को 170 के पार पहुंचा दिया। इस दौरान रविंद्र जडेजा ने सिर्फ 13 गेंदों पर 33 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 छक्के लगाए। इस दौरान पारी के 18वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने तुषार देशपांडे की गेंद पर एक इतना बड़ा छक्का मारा जो स्टेडियम के पार चला गया। गेंद सीधे जाकर रोड पर गिरी और वहां एक युवक ने गेंद को उठाई और वो सीधे भाग खड़ा हुआ। ये काफी हैरान कर देने वाला लम्हा था। रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके से गेंद को सिर्फ फ्लिक किया था और गेंद सीधे स्टेडियम के बाहर चली गई थी। आपको बता दें, जडेजा के अलावा अंबाती रायडू ने भी सिर्फ 25 गेंदों पर 45 रन बनाए, जिसमें एक चौका और 4 छक्के लगाए। रविंद्र जडेजा ने 253 की स्ट्राइक रेट से इस मुकाबले में बल्लेबाजी की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।